अमेरिकन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी जो नेशनल है उसको तो ये सहूलत दी है कि वो ये वीज़ा हासिल कर सकता है, मगर इंडियन नेशनल को ये सहूलत हासिल नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि वीज़ा पर आकर मैं स्टूडेंट वीज़े पर खुद को कन्वर्ट कर लूँगा और फिर जो है मैं कोई काम कर लूँगा। तो दोस्तों आप ये याद रखिएगा कि स्टूडेंट वीज़ा पर आप काम नहीं कर सकते, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीगली 20 घंटे काम करने की इजाज़त है। दोस्तों आप अमेरिका में जाकर अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, कम से कम पैसों में सेटअप करना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ सेटल हो जाएं, आप ये चाहते हैं कि वो जो आपका बिजनेस है उसकी बेस के ऊपर आपको ग्रीन कार्ड मिल जाए, आप ये भी चाहते हैं कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो है कम से कम अमाउंट जितनी एक आम मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड कर सकता है वो लगा के वहाँ पे अपना बिजनेस सेटल कर सके, अपनी फैमिली को सेटल कर सके और लीगली वहाँ रह सके, इलीगली नहीं लीगली रह सके। तो ये सब कैसे मुमकिन है, इसका तरीकाकार क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, आज मैं इस पर आपको डिटेल से बताऊँगा कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो है वो एक कैटेगरी ऐसी रखी हुई है कि जिसके ऊपर एक आम मिडिल क्लास आदमी भी अमेरिका में जाके सेटल हो सकता है, मगर वो क्या है, कैसे है उसका प्रोसेस, तो इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वसी MG। दोस्तों से ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर कोई दोस्त किसी भी हवाले से मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है तो प्लीज़ वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकता है, मेरा फेसबुक मैसेंजर भी और मेरा इंस्टाग्राम मैसेंजर भी ऑन है, वो मुझसे उनके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकता है और वहाँ पर मैं उनको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे सकता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों मैं ये बात कर रहा था कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो E2 वीज़ा की कैटेगरी जो लॉन्च की हुई है, बहुत अरसे से ये कैटेगरी चल रही है और बहुत से लोगों ने इससे बेनिफिट भी उठाया है, इसको हासिल करने का तरीकाकार क्या है। E2 वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जो जिसमें एक आम आदमी जो कि एक छोटा सा बिजनेस करता है, जैसे कि उसकी कोई दुकान है, कोई किराने की दुकान है या कोई और उसका कोई ऐसा बिजनेस है जिसको आप स्मॉल बिजनेस कहते हैं, तो वो बंदा अमेरिका में किस तरह जाके वो अपना बिजनेस सेटअप कर ले और वहाँ अपनी फैमिली के साथ सेटल। मगर ये याद रखिएगा कि ये जो वीज़ा है E2 वीज़ा, ये नॉन इमिग्रेंट बिजनेस वीज़ा है। अब नॉन इमिग्रेंट बिजनेस वीज़े का मतलब क्या है कि आप वहाँ जाएंगे, आप वहाँ बिजनेस भी करेंगे, आपका कॉरपोरेट अकाउंट भी होगा, आपको वहाँ पे सोशल आइडेंटिटी नंबर भी मिलेगा और उसके अलावा आप तमाम वो सहूलतें वहाँ पे इंजॉय करेंगे कि जो कि एक अमेरिकन शहरी को हासिल होती हैं, स्कूलिंग, हेल्थ, एजुकेशन, उसके अलावा आपकी फैमिली का स्टेटस, आपकी फैमिली के भी जितने लोग हैं जिसमें बीवी और बच्चे, उनका स्टेटस भी लीगल होगा। मगर आप वहाँ वोट नहीं कर सकते, आप अमेरिकन पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप इस वीज़ा के ऊपर वहाँ रह रहे हैं तो। लेकिन इवेंचुअली जो है आप जब ये बिजनेस कर रहे होते हैं और वहाँ पे सेटल हो जाते हैं तो साल के बाद या 6 महीने के बाद ऐसे जो है रास्ते ज़रूर बन जाते हैं कि आप फिर जो है वो रोड टू ग्रीन कार्ड जो है ना वो भी जो है ना वो अडॉप्ट कर लेते हैं, और फिर इस तरह बहुत सारे मौके आपको ऐसे मिल जाते हैं कि आप ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर लेते हैं एक सर्टन लिमिट के बाद, जब आप वहाँ पे 2 साल या 4 साल या 5 साल आपको हो गए हैं तो उसके बाद। एनीवे, अब इस वीज़े को हासिल कैसे करना है और इसका प्रोसेस क्या है। देखिए, अगर आपके पास B1 B2 विजिट वीज़ा है अमेरिका का और आप अमेरिका का एक टूर करके आ चुके हैं, ठीक है, तो उसके बाद जब आप ये वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप ये सिर्फ 50,000 की इन्वेस्टमेंट शो करने के बाद, $50,000 की बात कर रहा हूँ, $50,000 की इन्वेस्टमेंट शो करने के बाद आप ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं, आप उसी बेस पे ये एप्लीकेशन बनेगी। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि आपको ये वीज़ा हासिल करने के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई कंसल्टेंसी या लीगल फर्म या लॉयर को हायर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप बहुत सारी मुश्किल का शिकार हो जाएंगे, आप अपने आप से उसको सबमिट नहीं कर सकते हैं एप्लीकेशन अमेरिकन एम्बेसी को या अमेरिकन अथॉरिटीज़ को, आपको कोई ना कोई लीगल एडवाइज़र ज़रूर हायर करना होगा और डेफिनेटली वो आपसे पैसे भी लेगा। और खैर, जब आप अमेरिका में जाना चाहते हैं तो ये चीज़ें तो आपको करनी होंगी। बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि जब मैं विजिट वीज़ा पे चले जाता हूँ, अमेरिका में होता हूँ जैसे कि B1 B2 पे, तो वहाँ जाके मैं कैसे वहाँ सेटल हो सकता हूँ। तो उनके लिए भी सबसे बेहतरीन कैटेगरी ये है कि आप इसी E2 वीज़ा को अप्लाई करें और अमेरिका में रहते हुए आप अपना बिजनेस मॉडल शो करें, इन्वेस्टमेंट शो करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट लीगल होनी चाहिए। आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है या आपके पास सेविंग है, आपके बैंक अकाउंट में है, आई मीन के उस इन्वेस्टमेंट का, उस पैसे का प्रूफ होना चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। ये नहीं है कि No. 2 का पैसा उठा के आप वहाँ डाल दें, तो वो करें। और इसके अलावा वहाँ से आप एप्लीकेशन प्रोसेस करें,
तो वहां भी वीजे वीजे पे रहते हुए आपका ये वीजा बिजनेस नॉन इमिग्रेंट वीजे में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेम वैसा ही है कि जैसे कि आप कतर में हैं, आप दुबई में हैं, आप अमेरिका में हैं, तो आपके पास तमाम सहूलतें हैं। आपने यहाँ पे एक होटल खोला हुआ है, आपके पास यहाँ आईडी है, आपके पास हेल्थ कार्ड है, आपके पास यहाँ पे आप मतलब रेजिडेंट कार्ड है, आप यहाँ पे एजुकेशन बच्चों को दिला सकते हैं। तो इसी तरह ये तमाम सहूलतें सेम उसी जो है ना तकरीबन मिलता जुलता अकामा सिस्टम जो आईडी सिस्टम है उसी बेस पे अमेरिका ने इस वीजे के थ्रू आप लोगों को दी। मगर फर्क सिर्फ इतना है कि आप गल्फ में कतर में दुबई में सिटीजनशिप अप्लाई नहीं कर सकते, पर अमेरिका में रहते हुए आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं और वहां तक पहुंच सकते हैं। इस वीजे के स्टेटस के ऊपर आप डायरेक्ट जो है सिटीजनशिप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जब आप वहां पे होते हैं तो बहुत सारे चांसेस, बहुत सारे मौके फिर ऐसे मिलते हैं, बहुत सारे लीगल रास्ते ऐसे होते हैं जो आपको आपका लॉयर बताता है, आपका अटर्नी बताता है कि आप अब इस वीजे को इस तरह कन्वर्ट कर लीजिए, आपको यहाँ रहते हुए 4 साल हो गए हैं या 3 साल या 5 साल हो गए हैं, तो आप इस कानून के तहत जो है एलिजिबल हो चुके हैं, आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं और फिर आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं या बाद में सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जब भी दे दूं कि ये वीजा कैटेगरी जो है वो पाकिस्तानियों को तो हासिल है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी जो नेशनल है उसको तो ये सहूलत दी है कि वो ये वीजा हासिल कर सकता है, मगर इंडियन नेशनल को ये सहूलत हासिल नहीं है, वो E2 वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, उसको डेफिनेटली EB5 अप्लाई करना पड़ता है जिसमें कम से कम भी $1 million की इन्वेस्टमेंट शो करनी पड़ती है या कम से कम $800,000 जो है ना वो इन्वेस्टमेंट शो करनी पड़ती है। अगर आप किसी ऐसे इलाके में अपना बिजनेस खोलने जा रहे हैं जहां पे एम्प्लॉयमेंट के मौके कम हैं तो आप $800,000 में वो बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो आप इसकी एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपने सिंपली अपना बिजनेस प्लान बताना है, एक बिजनेस प्लान जो कि आप एक अच्छा सा मॉडल बना के वो आप अमेरिकन एम्बेसी में सबमिट करेंगे और उसके साथ सोर्स ऑफ फंड। और इसमें अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बड़ी अच्छी लग रही हैं, बड़ी पॉजिटिव है, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं या अगर आप अमेरिका में ही हैं, आपको पहले इन्वेस्टमेंट शो करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन बाद में सबमिट करनी पड़ेगी, यानी इन्वेस्टमेंट आपकी रिस्क पे होगी। अब आप कहेंगे कि ये कैसे कानून है, ये कैसा कानून है कि इन्वेस्टमेंट रिस्क पे होगी, जब तक हमें वीज़ा नहीं मिले हम तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। लेकिन इस बिज़नेस मॉड्यूल को बनाया ही ऐसे गया है, इस कैटेगरी को, इस वीज़ा कैटेगरी को बनाया ही ऐसे गया है कि आपकी इन्वेस्टमेंट रिस्क पे होगी। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा और बिना किसी लॉजिक के, जैसे B1 B2 जो है ना रिजेक्ट हो जाता है, ऐसे ये रिजेक्ट नहीं हो सकता। 92% रेशो है इसकी अप्रूव होने की। और इसको रिस्क पे इसीलिए रखा जाता है कि जो बिजनेसमैन इन्वेस्ट करने जा रहा है उसका बिजनेस मॉडल, उसका पैसा, उसकी एक एक चीज़ लीगल हो, क्योंकि सब चीज़ें जब लीगल होंगी तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ अप्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर कोई इस कैटेगरी में जाके इस बिजनेस वीजे का फायदा उठाना चाहता है, ऐसे ही फर्जी बिजनेस सेटअप करके पैसे लगा के और वो ये वीजा हासिल करना चाहता है, तो उसी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये चीज़ जो है इस पे लागू की है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो पहले होगी और वीजा एप्लीकेशन बाद में होगी। लेकिन वीजा एप्लीकेशन में फिर बता दूं 92% चांसेस होते हैं इसकी अप्रूवल के। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि विजिट वीजा पर अगर मैं स्टूडेंट वीजे पे खुद को कन्वर्ट कर लूंगा और फिर मैं कोई काम कर लूंगा, तो दोस्तों आप ये याद रखिएगा कि स्टूडेंट वीजा पर आप काम नहीं कर सकते। आपको ज्यादा से ज्यादा लीगली 20 घंटे काम करने की इजाजत है, एक हफ्ते में आप 20 घंटे काम कर सकते हैं। तो 20 घंटे का के बाद अगर 21वां घंटा आप करेंगे तो वो इलीगल है, और फिर आपको ये सब छुप के काम करना पड़ेगा और सब, क्योंकि ये इलीगल होगा, आपको पैसे कमाने हैं, वो सब करना है, तो वो सब चीज़ें को फेस करनी पड़ेंगी। तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप E2 वीज़े को हासिल कर लें, और E2 वीज़ा हासिल करने के लिए कम से कम जो स्टैंडर्ड अमाउंट है वो $100,000 का बिजनेस मॉडल जो है ना वो आपने शो करना है, $100,000 की तकरीबन इन्वेस्टमेंट आपने शो करनी है। और वैसे तो हमने ये भी देखा है कि $50,000 का भी बिजनेस जो है ना उसके बेस पे भी E2 वीज़ा मिला है, कि जैसे कि आपने कोई बर्गर शॉप खरीदी है कोई $30,000 की या $35,000 की और फिर उसको रेनोवेट करके उस पर $10,000-$15,000 और लगा के आपने उस बिजनेस को आपने अपनी एप्लीकेशन में शो किया है और वो बाकी सारी चीज़ें अगर लीगल है सब ओके है, तो आपको उस बेस पे ओनली सिर्फ 40-50,000 की इन्वेस्टमेंट के बेस पे आपको वीज़ा मिल जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।